आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी की अध्यक्षता में प्रेस क्लब लखनऊ में किया गया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए श्री बग्गा जी ने कहा कि ज्ञात हो कि श्री गुरु नानक देव जी के नौवीं ज्योत हिंद की चादर महान तपस्वी गुरु तेग बहादुर साहेब जी महाराज का 401वां प्रकाश पर्व 21 अप्रैल 2022 दिनांक बृहस्पतिवार को ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु सिंह सभा नाका हिंडोला लखनऊ में बड़ी श्रद्धा पूर्वक एवं सत्कार के साथ मनाया जाएगा। आज का कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि आपके सम्मान्य चैनलों के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से हम जन जन तक ये संदेश देना चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उनका प्रकाश पर्व यानी कि उनका जन्मदिन दिनांक 21 तारीख को उतारा नाका हिंडोला में बड़े भव्य स्केल पर मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के नामी प्रसिद्ध रागी और देश के नामी प्रचारक गुरु तेग बहादुर साहब की जीवनी और उनको क्यों शहादत की जरूरत पड़ी, एक के ऊपर वो प्रकाश डालेंगे। ये केवल कार्यक्रम लखनऊ में नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में इस वक्त ये 400 साल प्रोग्राम जो है ये मनाया जा रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लाल किले पर भी 20 तारीख को और 21 तारीख को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 20 तारीख को माननीय अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका समापन करेंगे। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की बहुत ही वैराग्यमयी वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में अंकित है, उसका गायन होगा, उसका मनन होगा, उसके ऊपर विचार होगा। इसके अतिरिक्त गुरुद्वारा साहब में ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला में एक जांच शिविर, मेडिकल जांच शिविर भी लग रहा है, जिसमें डॉक्टर रणवीर सिंह, डॉक्टर पीयूष खेरा, डॉक्टर भावना खेरा और अन्य कई डॉक्टर आएंगे जो निःशुल्क अपनी सेवाएं देंगे। संगत के जो लोग आएंगे वो जांच करेंगे, परामर्श देंगे, उनके पास जो दवाइयां उपलब्ध होंगी वो दवाइयों से भी सेवा करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज का जो सारा जीवन है वो त्याग का जीवन है, सेवा का जीवन है, जो हमें त्याग और सेवा के मार्ग के ऊपर परमात्मा की भक्ति करते करने का उपदेश देते हुए परमात्मा की प्राप्ति का संदेश देता है। उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों पर अमल करते हुए हमारे यहाँ मेडिकल जांच शिविर भी लग रहा है, वैक्सीनेशन का भी मेगा शिविर लग रहा है, वो भी चलेगा और संगत की सेवा, गुरबाणी के कीर्तन के साथ साथ गुरु के लंगर में बांटे जाएंगे। आप सब, आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा सभी नगरवासियों से कृपा करके जरूर आपके गुरु महाराज के आगे नतमस्तक होकर गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करें। देशपत्र न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।